जॉनी बेस्टो, डेविड मिलान और क्रिस वोक्स, ये तीन इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपना नाम आईपीएल से वापस ले लिया है। जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर और विराट कोहली के फेवरेट बेन स्टोक्स तो ऑलरेडी नहीं आ रहे थे, तो आधा दर्जन अंग्रेजी खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेंगे। देर आर रेपरकशंस, बहुत मतलब बदलाव हुए हैं, लोगों ने अपनी टीम्स को पुख्ता करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए कर लिया है, अपने खिलाड़ियों को उन्होंने हायर कर लिया है, लेकिन व्हाट डज दैट मीन फॉर द इंग्लिश क्रिकेटर्स इन द फ्यूचर, क्योंकि ना आईपीएल ना भुलाती नहीं है, अगर आपने बीच में छोड़ दिया ना एक टीम को तो फिर सारी टीम जो है वो अगली ऑक्शन में ध्यान रखते हैं कि ये खिलाड़ी जो है ये लगातार नहीं आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, और इनकी रिप्लेसमेंट कौन कौन आई है सबकी बात करते हैं। प्रज्ञान ओझा, पीओ, पीसअप के साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं, वो मैं आपको जरा दिखाता हूं। और मेरा ट्रिविया आज का ये है कि वो कौन सा लास्ट ओवरसीज क्रिकेटर था जिसने आईपीएल में शतक जड़ा, लास्ट ओवरसीज क्रिकेटर हु स्कोर्ड अ सेंचुरी इन आईपीएल। हैशटैग आकाशवाणी, और इस पर आज थोड़ी सी आईपीएल की कहानी, क्योंकि तीन खिलाड़ी हैं भाई, जॉस बटलर हैं, जॉस बटलर तो नहीं आ रहे थे, जोफ्रा नहीं आ रहे थे, बेन स्टोक्स नहीं आ रहे थे, ये तीनों तो नहीं आ रहे थे। चलिए इनमें से दो का इंजरी का मतलब, एक का बर्थ का इशू, दूसरे का इंजरी का इशू, बेन स्टोक्स जो है उनका मेंटल हेल्थ का इशू, पर तीन खिलाड़ियों ने और अपना नाम वापस ले लिया है, और बड़ा लेट 11th आवर में आप नाम वापस ले रहे हैं कि पांच दिन के बाद आईपीएल शुरू होनी, और आप कहते नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी वायलेट्स, ओके ठीक है मत जाइए जी, कोई बात नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो लानी पड़ेंगी। लाए हैं भाई सफियन रदरफोर्ड को ले आए, सनराइज हैदराबाद वाले, विच मे नॉट बी अ बैड थिंग, और डेविड मिलान की जगह पेटन मार्करम को ले आए, चलिए भाई वो भी आप अपना काम तो कर रहे हैं। क्रिस वोक्स की जगह दिल्ली ने कहा में कोई नहीं चाहिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम दे हैव नॉट अनाउंस एनी रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट आसान नहीं होती, आखिरी समय पे किसी को ढूंढना जो उनको सही एबल रिप्लेसमेंट मिले, दैट्स नेवर द राइट थिंग एंड दैट्स नॉट ईजी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है कि जब आप इस प्रकार से अपना नाम आखिरी समय वापस लेते हैं ना, तो आईपीएल की जो टीम्स होती हैं वो भूलती नहीं है इस बात को, वो याद रखती हैं कि ये भाई वो खिलाड़ी है, और अगर ये बार बार हो जाए और तो फिर तो भूल ही जाओ, लेकिन अगर एक आधी बार भी होता है थोड़ा सा वेरी हो जाते हैं कि यार इंग्लिश खिलाड़ी हैं, इनको रखना चाहिए या रहने दें, क्यों, क्योंकि ये तो बीच में से भाग जाते हैं, ये तो आते नहीं है, ये आधे रास्ते में छोड़ जाते हैं, मुझे कहते हैं नैया को मझधार में छोड़ जाते हैं, तो दोज आर थिंग्स दैट यू ऑलवेज कीप इन माइंड। तो मुझे लग रहा है जब अगला ऑप्शन होएगा ना बॉस, तो थोड़ा सा आपको इसका वो कहते ना कि इसकी गूंज आपको सुनाई देगी, रिमेंबर डॉक्टर डैंग, इस थप्पड़ की गूंज आपको सुनाई देगी, वो बाद में देगी। हालांकि अगर आप देखें कि किस किस टीम को कितना नुकसान हुआ है, तो दो टीम्स ऐसी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड दोनों चैंपियन टीम्स हैं, मुंबई इंडियंस, एक भी रिप्लेसमेंट नहीं है, एक भी प्लेयर अनअवेलेबल नहीं है, जितने लोगों को पहले पिक किया था सारे के सारे उनके पास अवेलेबल है, यानी कि बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, दे आर स्टिल अ वेरी स्ट्रांग यूनिट। दूसरी टीम धोनी की टीम, थलाई की टीम, चेन्नई सुपर किंग्स के सैम करन, मोइन अली, जॉश हेजलवुड सब अवेलेबल है, सब कह रहे भाई हम आएंगे आपके लिए, हम खेलेंगे, एंड दैट ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे राइट। द नेक्स्ट ऑक्शन व्हेन इट कम्स, ये सब चीजें बहुत आप नोट करते हैं कि कौन आया, कौन गया, कौन वहां पर आपके साथ जुड़ा हुआ था। ऑफकोर्स इट्स नॉट ईजी, पर ध्यान आप जरूर रखते हैं। दिल्ली कैपिटल्स थर्ड साइड जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, क्रिस वोक्स नहीं है, तो भी उनको चल जाता उनका काम, उनको ऐसी कोई बहुत सारे फास्ट बॉलर्स की जरूरत नहीं है। आवेश खान, ईशान शर्मा, उमेश यादव, तीन तो भारतीय ही हो गए, और उसके बाद आपके पास कवीज और अपाट एंड ऑन विथ नोकिया, आई मीन दिस इज अ सॉलिड बोलिंग यूनिट, तो उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिसको फर्क पड़ा है मेरे विचार में सबसे ज्यादा फर्क, तो मुझे लग रहा है आरसीबी को थोड़ा सा ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि डैनियल सैम्स, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन, फिन एलन, स्कॉट कुगलहैन, ये सारे नहीं आ रहे, पांच पांच खिलाड़ी नहीं आ रहे, तो पांच आपको ओवरसीज अब खिलाड़ी ढूंढने हैं, तो बचे कितने आपके, चार जो खेलने वाले थे वही लोग बचे ना, ये भी मैक्सवेल, केन रिटा, सॉरी अपना जायर रिचर्डसन, मतलब उसके बाद आपके पास कोई बहुत सारे, जायर रिचर्डसन नहीं है, जिनके पास जायर रिचर्डसन नहीं है, इनके पास वो लंबे वाले हमारे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो हैं काइल जेमिसन, सॉरी अपॉलोजी, बड़ा डिफिकल्ट होता है सबका नाम याद रखना, पर इन्होंने रिप्लेसमेंट रखी है, टिम डेविड आ गए हैं जो कि सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया बॉर्न है, थोड़ा से दोनों तरफ के हैं एक्चुअली, दुश्मनता चमीरा, वनिंदु हसरंगा एंड जॉर्ज गार्टन, गार्टन इज अभी 100 में अच्छा करके आए हैं, तो यहां बदलाव तो इन्होंने किए हैं, पर आपकी जो इनिशियल जो आपके प्लान्स थे, they've put a spanner in their works, कि अब आपको एक नए तरीके से अपनी तैयारी करनी है। पंजाब किंग्स, they're also been hampered badly, जाय रिचर्डसन यहां पर थे, रायरी मेरेडिथ और डेविड मिलान 22-23 करोड़ रुपए खर्च किए थे यार,
कि हम जाय रिचर्डसन और रायली मेरेडिथ को रखेंगे, हमारी फास्ट बॉलिंग की परेशानी उसको सुधार देंगे। नेथन एलिस को रख लिया अपने, ऑस्ट्रेलियन है पर आईपीएल तो कभी नहीं खेले, अच्छा इनके आंकड़े वांकड़े अच्छे हैं इनके बिग बैश में लेकिन नहीं खेले आईपीएल अब तक, तो वो एक बात याद रहेगी। आदिल रशीद को रख लिया आपने, भैया अच्छा है टी20 बॉलर, बट देन मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई ऑलरेडी है और वाई वुड यू एक्चुअली वेस्ट योर ओवरसीज कोटा, तो ये एक चीज और आपके जहन में रहती है। और यूएई में उतनी बॉल टर्न हुई नहीं है शुरुआत में, रिमेंबर 2020 राइट। और एडन मार्करम को रखा साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, रख लिया आपने, पर अब वही समस्या है कि डेविड मलान, सोचा था आपको कि भाई टी20 का रॉकस्टार है हमारे पास आएगा, केकेआर रतिन सऊदी आ गए हैं पैट कमिंस की जगह, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चॉइस ये भी नहीं है क्योंकि टी20 में इनके आंकड़े भी बड़े ऑर्डिनरी हैं। और आईपीएल जब लास्ट टाइम खेले थे आरसीबी के लिए, ओ भाई साहब बहुत पिटाई हो रही थी, मतलब कमाल ही हो जा रहा था, इतनी पिटाई हमने बहुत कम देखी है। पर देन समटाइम्स इट मैटर्स कि आपके कोच साहब कौन है और उनकी आपके साथ कैसी बनती है। राजस्थान रॉयल्स दे बीन हिट बैडली एज वेल, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, ये तीनों नहीं है, और तीनों नहीं है तो फिर ये समस्या इनको जरूर है भैया, आप किस प्रकार से इसे जूझेंगे। ग्लेन फिलिप्स, तबरेज शमजी, हुसैन थॉमस और एवन लुइस को रखा, एवन लुइस आई थिंक इज अ फैंटास्टिक पिक, और शायद जॉस बटलर को आप उतना मिस ना करें अगर आप इनके साथ ओपन करें। हुसैन थॉमस इज नॉट जोफ्रा आर्चर, नोबडी इज जोफ्रा आर्चर टू बी ऑनेस्ट, तो कहां से लाएंगे। तबरेज शमजी को शायद आप खिला ना पाए क्योंकि राहुल तेवतिया, श्रेयस गोपाल आप इनके साथ ज्यादातर जाना पसंद करते हैं, दैट्स द फॉर्मूला दैट दे हैव एक्चुअली गॉन ऑन विद। सनराइज हैदराबाद वोंट बी टू अपसेट क्योंकि उनके पास अब शर्फिन रदरफोर्ड आ गए जो कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है एंड और बोलिंग भी करते हैं, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर दैट दे नीडेड एंड नॉट रियली अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। बेस्ट को मिस कर सकते हैं बट नाउ यू कैन प्ले वॉर्नर ना, क्योंकि आपने पिछली मैच या कहें अंत में आपने वॉर्नर को ड्रॉप करना भी शुरू कर दिया था, तो फिर वो चीजें अब थोड़ी सी बदल गई हैं, तो देखते हैं भाई। एंड यू सी सेटिंग हैज चेंज, बाल कट गए, सब कुछ हो गया, क्वारंटीन में आ गया हूं भाई, अब 6-7 दिन इसी कमरे में इसी जगह पर, बाहर नहीं जा सकते, नॉक एंड ड्रॉप है, खाना भी जो है वो कागज के डिब्बों में आएगा और कॉफी चाय कप जो मंगानी वो भी कागजों के कप में आएगी। इट्स गोइंग टू बी टफ दी 7 डेज बट देन दिस टू शैल पास, आईपीएल का इंतजार हम कर रहे हैं और आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, दैट्स व्हाट विल कीप मी बिजी। अब जरा प्रज्ञान हो जा, पीओ पीस अप, लेट्स चेक इट आउट द रैपिड फायर राउंड विद प्रज्ञान। थैंक यू सो मच प्रज्ञान। केवाईसी आपका करवा रहा हूं मैं अभी, आधार कार्ड और पैन कार्ड इसमें नहीं लगता है, इसमें सिर्फ आपके बारे में आपका अपना ज्ञान रहता है। तो जो आपका टेस्ट डेब्यू हुआ था श्रीलंका के सामने कानपुर में, मैच जीत गए थे आप और इंडिया मैच जीता था, दोनों इनिंग्स में आपको 2-2 विकेट भी मिले थे। जब पहली बार आप बैटिंग करने आए तो आपका 1 रन आपने बनाया था 2 गेंदों में, किस बॉलर के अगेंस्ट रन बनाया था? वो शायद मैंने बनाया था, बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाँ जी रंगन है। Perfect. अच्छा, on your ODI debut versus Bangladesh at Karachi in 2008, जो आपका ODI का debut था, आपने विकेट लिए थे रकीबुल हसन और मुश्फिकुर रहीम के, आपने उस दिन 3 विकेट 3 कैचेस भी ली थी, वो याद है? जी जी। किसकी ली थी? लास्ट वाली कैच याद है जो मैंने बाउंड्री लाइन पे डाइव मार के ली थी। वो किसकी थी? काश भाई आप ऐसे से पूछ रहे हो ना। गुड क्वेश्चंस ब्रो। तो एक तो सेंचुरियन था भाई, अलोक कपाली ने 100 बनाया था उसका कैच आपने पकड़ा था जी, और एक मोहम्मद अशरफुल का पकड़ा था, और अशरफुल का मैंने पकड़ा था बाउंड्री लाइन पे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और एक नजीमुद्दीन का। चलो ये भी डिफिकल्ट था क्वेश्चन, अब दूसरा पूछता हूँ। योर लास्ट ओडीआई गेम विच वॉज अगेंस्ट श्रीलंका इन हम्बनटोटा, करेक्ट जी, हु डिसमिस्ड यू एंड हाउ? Who dismissed me? काश भाई बड़ा रिसर्च किया आपने। Who dismissed you? दिलशान। एंजेलो मैथ्यूज ने 5 रन पे कुमार संगकारा ने कैच पकड़ा था, आई थिंक कॉट बिहाइंड हुआ होगा ना। करेक्ट। ये भी सही है, योर फर्स्ट एवर टी20 आए, मतलब जो पहला टी20 आए आप खेले भारत के लिए, उसमें आप मैन ऑफ द मैच थे। Your player of the match. This was World T20 game versus Bangladesh at Trent Bridge. What were your bowling figures and how many boundaries did you concede? Bowling figure तो याद है क्योंकि वो याद करता। 4 for 24. 4 for 21. Yes. वो boundaries. Boundaries I think एक छक्का, दो boundaries एक छक्का लगा था ऐसा कुछ था। Last में मारा था।
सिर्फ एक छक्का लगा था, एक भी चौका नहीं लगा था. Fantastic. So you finished with 1 for 21 from 4 overs in your final T20I games, a game against Zimbabwe. उसके बाद और तो नहीं खेला पता नहीं. जब चार ओवर में 21 रन देके एक विकेट दिया तो और मैच खेलने चाहिए थे. पर उसमें किसी और का भी T20 डेब्यू हुआ था. किसका T20 डेब्यू हुआ था? विराट कोहली. नहीं. फेलो स्पिनर. राइट आर्म लेग स्पिनर. राइट आर्म लेग स्पिनर. अमित मिश्रा. मिश्री. तीन ओवर में उन्होंने 19 रन देके एक विकेट लिया था. वेल डन अमित मिश्रा. आपने अपनी जो पहली इनिंग्स थी रणजी ट्रॉफी की उसमें 5 विकेट लिए थे और हैदराबाद वर्सेस रेलवे. हु वाज योर फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी विकेट? संजय वर्मा. इजी. वेल डन. वेल डन. सी पुरानी चीजें सारी याद रहती हैं. मुझे याद है मैंने अपने पहले चौका किसको मारा था. अच्छा, so who made their list a debut alongside your debut as Hyderabad took on Tamil Nadu in 2006? मेरे साथ किसी का debut होता हैदराबाद के लिए तमिलनाडु के against. मेरे साथ वाला ही है. साथ वाला ही है. I mean आपके साथ खेला है T20, उसका debut भी आपके साथ ही हुआ था. इंडिया नहीं खेला था लड़का, लेकिन ये बता सकता हूँ. रवि तेजा. फैंटास्टिक. 10 on 10 मैन. वेल डन रवि तेजा. यस, द्वारका रवि तेजा. हाँ जी. तो अब ये बताइए आप अपने टेस्ट में कितनी बार डबल डिजिट्स में पहुंचे थे बैटिंग करते हुए? बॉलिंग का कोई सवाल नहीं पूछूंगा. मैं पहुंचा था शायद एक बार. तीन बार. अंदरा कुछ. अच्छा, तीन बार. तीन बार. तीन बार. अलग अंडर एस्टिमेट कर दिया आपने आपको. मैंने. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तीन बार. कब कब किसके साथ? एक तो पक्का श्रीलंका के साथ. Absolutely. दूसरा होगा अपना. Actually, दो बार श्रीलंका के साथ. दो बार श्रीलंका, एक न्यूजीलैंड. परफेक्ट है. बिल्कुल परफेक्ट. न्यूजीलैंड मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो मैच में बज्जू भाई ने 100 किया था. नीचे आके बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी की थी. अहमदाबाद. अहमदाबाद. करेक्ट करेक्ट. ओके. हाँ, ये जो अपना मोहाली में मैच था जो बड़ा फेमस मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो वीवीएस लक्ष्मण को खास याद रहता है वो वाला मैच. तो उसमें याद है कौन कौन से बोलर्स को आपने खेला था? यू स्कोर्ड 5 रन ऑफ 10 बॉल्स. वो 10 बॉलें जो थी वो किस किस गेंदबाज की थी? हिल्फनॉस और अपना मिचेल जॉनसन. फैंटास्टिक. चार डाली थी मिचेल जॉनसन ने और 6 डाली थी बेन हिल्फनॉस ने. वेरी गुड. ओके, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. योर ओनली 10 विकेट गेम केम इन योर फाइनल टेस्ट. बिल्कुल परफेक्ट. व्हाट वाज योर बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस टिल देन? मतलब उससे पहले क्या सबसे अच्छा था? उससे पहले मैंने 6 विकेट ली थी. मैच में? टेस्ट मैच में. मैच में. मैच कह रहे हैं. मैच में 9 विकेट थी इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद. आपने जो आपसे सवाल पूछा था वो था कि भाई लास्ट ओवरसीज क्रिकेटर टू स्कोर रन आईपीएल सेंचुरी ये दिल्ली के मैदान पे हुआ था. फिर ओशा कोटला में सनराइज हैदराबाद के सामने 124 बनाए थे जनाब जॉस बटलर. अभी की बात है, अभी जब ये बीच में रुके थे वन ऑफ द लास्ट फ्यू गेम्स जो कोटला पे खेले गए थे और उसके बाद आईपीएल को बीच में रोका गया था. तो वो जो शतक था वो जॉस बटलर ने बनाया था जो कि अब आपके लिए उपलब्ध होने वाले नहीं है. वो खेल ही हैं. ही सेड नो टू द आईपीएल एट दिस पॉइंट इन टाइम. आज के लिए इतना ही है. कल फिर आएंगे. कल फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे. आपको लाइक करना, आपको शेयर करना, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन करना, कमेंट सेक्शन को भर देना है और फिर लोगों को बताना है हैशटैग आकाशवाणी पे भेजिए आपको सारी क्रिकेट की कहानी. जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी. एकदम मिट्टी की पिच है. ओ गेंद मैंने देखी नहीं पर मेरा हुनर सबको दिखा दिया. ओ स्वैग है जनाब का. वाह.